दोस्तों दुनिया में तरह तरह के काम होते हैं जिन्हें करके लोग पैसा कमाते हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब कहीं जाकर लोगों को उनकी सैलरी मिलती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी अजीबोगरीब जॉब्स भी हैं जिनमें कुछ ना करने के लिए पैसे मिलते हैं। जी हाँ, जो काम आपकी हमारी नज़रों में कोई काम नहीं है, लोगों को उसके भी पैसे मिलते हैं। जैसे सोने की जॉब, गले लगने की जॉब। आज की इस खास खबर में हमने ऐसी ही कुछ नौकरियों के बारे में बताया है जिसमें ज़्यादा कुछ ना करके भी लोग पैसा कमाते हैं। पहली, गले लगाने की जॉब। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली मिसी रॉबिनसन पेशे से एक मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट और लाइसेंस कंडल थेरेपिस्ट है। ये लोगों से गले मिलकर पैसा कमाती है। एक रात तक अपने क्लाइंट को गले लगाने के लिए मिसी रॉबिनसन उससे 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा फीस लेती है। दूसरी, कुछ ना करना। जहां लोग दिन भर पसीना बहाकर पैसा कमाते हैं, वहीं जापान का शख्स कुछ ना करने के पैसे लेता है। लोग उसे कुछ ना करने के लिए किराए पर लेते हैं। कुछ ना करने के लिए उन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। इस काम के लिए लोग उन्हें पैसे भी देते हैं। तीसरा, सोना और टीवी देखना। जहाँ एक घर में जरूरत से ज़्यादा सोने पर घरवाले चार बातें सुनाने लगते हैं, वहीं दुनिया में एक कंपनी सिर्फ सोने के लिए लोगों को हायर करती है। लग्जरी बेड कंपनी क्राफ्टेड बेड्स अपने फर्नीचर की टेस्टिंग के लिए लोगों को हायर करती है, जिसमें उन्हें दिन भर में लगभग 6 घंटे बेड पर सोना होता है। कंपनी वक्त बिताने के लिए टीवी देखने का भी प्रबंधन करती है और इसके लिए उन्हें अच्छी खासी सैलरी भी देती है। चौथा, यास आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों, संयुक्त अरब इमारात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में यास आइलैंड के ब्रांड एम्बेसडर के लिए वेतन $1,00,000 यानी करीब 80 लाख रुपए है। साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिलती है। दरअसल ब्रांड एम्बेसडर का चुनाव यास आइलैंड के CIO एक प्रतियोगिता के माध्यम से करते हैं। प्रतियोगिता के विजेता कैंडिडेट को ही यह नौकरी मिलती है। पांचवा, लाइब्रेरियन। दोस्तों, इस नौकरी के लिए आम तौर पर आपको आयोजन पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। यह सुनिश्चित करना कि किताबें या बाकी सामग्री उनके लिए उचित स्थान पर हैं और यदि कोई किसी वस्तु को इस्तेमाल करता है तो वह सही ढंग से दर्ज की जाए। शुरुआत में आपको 20,000 से 30,000 प्रतिमाह का वेतन की नौकरी मिल सकती है। हालांकि लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री और अनुभव के साथ आप सालाना अच्छी सैलरी पा सकते हैं। छठा, वॉइस आर्टिस्ट। दोस्तों, अगर आपके पास एक अनोखी आवाज़ की कला है या फिर आप तरह तरह की आवाज़ निकालने में माहिर हैं, तो एक वॉइस आर्टिस्ट बनकर आप बिना किसी हार्ड वर्क के सिर्फ अपनी आवाज़ के दम पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। विज्ञापनों, वीडियो गेम्स, टेलीविजन या फिल्म में वॉइस ओवर करके अच्छी सैलरी पा सकते हैं। यह एक मज़ेदार काम है। साथ ही इसके लिए आपको किसी भी तरह के पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती। एक वॉइस आर्टिस्ट की कमाई घंटों के हिसाब से होती है, जो लगभग 1500 रुपये प्रति घंटे से लेकर 5000 प्लस रुपये तक हो सकती है। सातवां, टेप ऑपरेटर। दोस्तों, यह काम काफ़ी आसान है। आपको बस टेप के बॉक्स के साथ दिन रात में एक कमरे में बैठना होगा और डिजिटल प्रतियों को सर्वर पर लगाते रहना होगा। यह नौकरी पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरह से की जा सकती है। सैलरी की बात करें तो इसके लिए कंपनी आपको $35 यानी लगभग 2800 रुपये प्रति घंटे या उससे अधिक का भुगतान करती है। आठवां, आइसक्रीम टेस्टर। दोस्तों, एक आइसक्रीम टेस्टर को स्वाद की परख होती है। ये कंपनी में तैयार होने वाली हर प्रकार की आइसक्रीम की सही सामग्री, बनावट और स्वाद का ख्याल रखते हैं ताकि आइसक्रीम खाने वाला निराश ना हो। इसके अलावा आइसक्रीम टेस्टर को नए स्वाद का भी आविष्कार भी करना होता है। इसके लिए सालाना सैलरी 28 लाख से 78 लाख के बीच हो सकती है। नौवा, फूड स्टाइलिस्ट। दोस्तों, विज्ञापनों में अच्छे दिखने वाला फूड देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। आमतौर पर फोटोशूट, फिल्मों, टेलीविजन, विज्ञापनों और महंगे रेस्टोरेंट के लिए खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट दिखाना इनका काम होता है।
ताकि उसे देखने वाले के मुंह में पानी आ जाए। इनकी एनुअल सैलरी 19 लाख से लेकर 75 लाख के बीच हो सकती है।